सबसे बड़ा अस्पताल यानी कि जिला सरकारी अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं में घिरा पड़ा हुआ है। यहाँ अनियमितताएं घोर हैं, साथ ही लापरवाहियां लगातार देखने में आ रही है। हालांकि नवागत कलेक्टर भास्कर लस्कर की कोशिश के बाद यहाँ कई हद तक अनियमितताओं को काबू में किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन कुछ न कुछ यहाँ नए देखने को ही मिलता है। आज इसी की तफ्तीश करने के लिए हमारी ग्राउंड रिपोर्टर टीम पहुंच जिला चिकित्सालय की कैंटीन में, जहां बनाया जा रहा था मरीजों के लिए खाना। वहां जाकर भी हमें लापरवाहियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज हमें यहां देखने को मिली कि जो सिलेंडर यहां उपयोग में लाए जा रहे हैं वो कमर्शियल यूज के नहीं है बल्कि डोमेस्टिक यूज के हैं, यानी कि जो घर में उपयुक्त होते हैं वो सिलेंडर यहाँ हॉस्पिटल में यूज किए जा रहे हैं, उन पर खाना पकाया जा रहा है, जबकि यह पूर्णतः अवैधानिक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं। वहीं इस बारे में जब हमने वहां के डॉक्टर से और कर्मचारियों से पूछना चाहा तो कैमरे के आगे कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। वहीं साथ में देखा गया कि खाना किस तरह से पकाया जा रहा है। दिए गए निविदा के अनुसार यहां पर प्रतिदिन 35 से 40 किलो तक का रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा खाद्य पदार्थ होना अनिवार्य है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया गया। यहाँ पर जो सामान रखा होता है राशन का, वो कहाँ रखा हुआ है? इसमें रखा तो मैं पता ही नहीं। कितना सामान रखा हुआ है राशन का? मैं आपके नहीं जानकारी नहीं था। किसके पास होगी ये जानकारी? प्रेम बाबू अच्छा। अच्छा, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? मैं 7-8 साल हो। तो आपको इतना तो पता होगा कितनी तरह की सब्जियाँ रखी हैं, क्या क्या रखा है? हाँ बताए। ये तो पालक है। नहीं, अभी जो सब्जी बन गई उसके अलावा कितनी सब्जियां रखी हैं यहाँ पे? दो सब्जी रखी हैं। कौन कौन सी? पत्ता फूलगोभी और पत्ता गोभी। ये कब बनेंगी? कल। ये कल बनेंगी। और शाम को क्या बनेगा? शाम को ये पालक बनेगी। पालक बनेगी। कितना किलो पालक बनी है? 40-40। वही जो टोस्ट के पैकेट जो मरीजों को दिए जाते हैं उन पे भी कोई एक्सपायरी डेट वहां पर मौजूद नहीं थी, जो भी एक बहुत बड़ी अनियमितता है। इन टोस्ट के पैकेट्स पे कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि ये कितनी तारीख को या किस महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। वहीं इससे पता नहीं चल सकता कि एक्सपायरी होने के बावजूद भी ये सब मरीजों को परोसा जा रहा है। वहीं जब हमने रोटी पकाने की जगह को देखा तो वो बहुत ही गंदी अवस्था में हमें मिली। हर तरफ गंदगी ही गंदगी मिली। हालांकि वहां के कर्मचारियों का कहना है कि साफ सफाई का काम चल रहा है इसलिए ये गंदगी हो रही है, लेकिन जब देखा गया तो वहां पर लाइन से 4 सिलेंडर डोमेस्टिक यूज यानी कि घरेलू उपयोग के रखे हुए थे, जिन पर यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही है। वहीं जिस चादर के ऊपर ये पकी पकाई रोटियां रखी जाती है उसकी हालत दयनीय थी। इतनी गंदी हो रखी थी जैसे बर्तनों से साफ ही नहीं हुई है। वहीं हमें एक झाड़ू नुमा टुकड़ा देखने को मिला, जिसके बारे में पूछे जाने पर कर्मचारियों ने बताया कि इस टुकड़े से ये झाड़ू नहीं है बल्कि इससे तवे को साफ किया जाता है, लेकिन वह भी गंदगी में नीचे ही पड़ा हुआ था। अब इतनी गंदगी में बना हुआ खाना मरीजों को देकर क्या उनकी तबीयत सही करने का विचार है या फिर और खराब करने का, यह तो वहां पदस्थ कर्मचारी जाने या फिर वो अधिकारी जो इसका जिम्मा लिए बैठे हैं। सीताराम जी बताएं, यहाँ पर अभी जो सब्जी बनी है कितना किलो बनी है? क्या दाल और क्या सब्जी बनी है? तो कम लगती है 30 ग्राम के हिसाब से। 350 मरीज है तो 10 किलो। ठीक है। और क्या सब्जी बनी है इसके साथ में? साथ में बनी कद्दू। कद्दू कितना बना होगा? कद्दू बना 32 किलो जी। लेकिन वहाँ तो कम दिख रहा है, इतना दिख रहा है जब पटती है सर तो वन्ने बात कम। अच्छा, और क्या क्या सब्जियाँ रखी हैं इस स्टोर में? हमारे स्टोर में है पत्ता गोभी फूल गोभी। कितना रखी होगी? वो इतना ही वजन है 30-30 किलो। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा आलू आलू नहीं चलते, सिर्फ उपलब्ध सब्जी हरी हरी सब्जी में जो आती है। आलू प्याज नहीं चलते? आलू प्याज चलती है, मतलब हरी सब्जी चलती है। नहीं, आलू प्याज कितने रखे हुए हैं अपने पास? प्याज रखी हुई है 30-40। और आलू? आलू नहीं चलते। ये सिलेंडर लाल वाले क्यों उपयोग में ला रहे हैं सर? घरेलू उपयोग रखते हैं।
तो यहाँ तो टेंडर में ना तो घरेलू उपयोग होता नहीं है, नहीं है गवर्नमेंट सप्लाई। हाँ तो उसमें घरेलू थोड़ी लगेगा। कौन से साहब? अच्छा इसका ठेका किसके पास है? टेंडर है उसके साथ। काहे का टेंडर? उनका खाना बनाने का है या सप्लाई? बनाने का नहीं, उनको सप्लाई करने का, सब्जी फल मल किराना का सामान। कितने टाइम से आप यहाँ काम कर रहे हैं? और यहाँ गंदगी की सफाई के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं? सफाई के लिए हम करते हैं, अब इसकी सफाई चल रही है, अब यार अब जैसा हो गया था आए थे बात लोग इसलिए क्लीन कर रहा। वहीं जब वार्डों में तफ्तीश करने पहुंचे तो पता चला कि खाना मरीजों को हाथ में दिया जाता है, जबकि बकायदा यहां पर कई बार प्लेटों की खरीदी भी की गई है। वहीं कुछ दानदाताओं ने भी प्लेटों को यहां पर दिया भी है, उसके बावजूद भी कई मरीजों को हाथ में ही खाना दिया जाता है, जिसका पक्ष रखते हुए अधिकारी और कर्मचारी कहते हैं कि मरीज खुद ही हाथ में लेते हैं और प्लेटों का उपयोग नहीं करते। जब हमने सर्जिकल वार्ड में रखी प्लेटों का मुआयना किया तो उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। सभी प्लेटें बहुत ही गंदी अवस्था में रखी गई थी, जिन्हें देखकर लगता था कि कई वर्षों से इनकी साफ सफाई भी नहीं हुई है। वहीं मरीजों से जब हमने पूछा कि क्या उन्हें समय पर दूध फल आदि मिलते हैं तो मरीजों ने मना कर दिए, उन्होंने कहा कि फल नहीं मिलते हैं। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनसे दबाव लगाकर पूछा तो सभी ने एक सुर में हाँ बोलना चालू कर दिया, यानी कि उन्हें जो चीज नहीं मिलती केवल हॉस्पिटल प्रशासन के दबाव में आकर उसकी भी हामी भर दी है। कितने? चार। और चाय मिली? चाय मिली भी, चाय तो देते नहीं हो, सब दूध देते हैं। दूध मिला था क्या? है दूध नहीं मिला? कब से बढ़ती हो आप? दूध दरिया मिलता है। कब से बढ़ती हो आप? आज दूध नहीं मिला आपने? कल से बढ़ती। आज दूध नहीं मिला था आपको? मैंने लिया नहीं, लिए नहीं, चाय दी थी। क्या कहा था उनने? देने आए थे उन लोगों ने क्या कहा था? लेने की कही थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है माता? दरिया नहीं खाती हूँ। क्या नाम है आपका? कैरी भाई। क्या समस्या क्या क्यों बढ़ती है यहाँ पे? जी पैर की नसें दुखती हैं सर। कुछ नहीं मिला अभी तो, नाश्ते में बाहर चला गया था, हो सकता है। क्या रोज नाश्ता मिल रहा है आपको यहाँ? कल मैं कल ही आया हूँ यहाँ। कल खाने में क्या मिला था? खाने में दाल आई थी और चाय रोटी। खाना काय में दिया था? बर्तन में दिया था, हाथ में दिया था? बर्तन तो मैं थाली ले ली थी मैंने इधर से। अच्छा अच्छा, और थाली ले ली थी उसमें चाय भी आती है एक बार सुबह। अच्छा दूध मिला आपको? दूध नहीं मिला, अगले चाय आती है सुबह एक बार से हमको, चाय आती है। चाय आती, दूध नहीं मिला? दूध नहीं मिला। अच्छा ठीक नन्नी भाई। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जब हम इन सभी मामलों को लेकर सिविल सर्जन के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया कि क्यों वहां पर घरेलू उपयोग के सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है तो वे बगले झांकते नजर आए। वहीं उन्होंने यह कह डाला कि देखते हैं कार्रवाई करेंगे। समझ से परे है, कई वर्षों से यहाँ पर इसी तरह से खाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अभी तक क्यों सिलेंडरों को बदला नहीं गया? क्या प्रशासन के नुमाइंदों को यह नहीं पता कि घरेलू उपयोग में आने वाले सिलेंडरों को व्यवसायिक रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? फिर अभी तक इनके ऊपर कोई चालानी कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, देख के आए, जैसे रोटियां डाली जा रही है तो गंदे उसके ऊपर डाली जा रही है, एक चादर है गंदा, है ना। फिर उसके बाद जो 16 रुपए का लड्डू है ना, फिर मैंने मरीजों से ही बात हुई तो मरीज कह रहा है कि हमें आज दलिया ही नहीं दिया गया, जबकि मीनू के अनुसार ये लोग कह रहे हैं जैसे हमारी वो प्रेम कुमार, प्रेम नारायण वो है ना रजक, वो भी साथ में थे, तो मरीजों को मीनू के अनुसार कुछ दिया ही नहीं जा रहा। चाय दे दी सुबह, दलिया दिया जाता है? नहीं, दलिया आज नहीं दिया। मैंने तो बातचीत की है उनसे तो दलिया नहीं दिया, आज तो टोस्ट दिया, चाय और टोस्ट, ये तो साथ में ही थे, टोस्ट दिया। अरे तो भैया आज दलिया की बोल रहे थे, वहाँ दलिया की बाल्टी भरी रखी हुई है, वहाँ दलिया की अंदर आपके उसमें, ठीक है, वो बाल्टी भरी रखी है, मैं तो फोटो करके लाया हूँ।
क्या फ्रूट देते हैं? फ्रूट दिए दिए तो मना कर रही है मुर्शिद आप। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, मना कर रही तो हामी भर रही है, ये भी तो बात है। आप लोगों के सामने हामी भर रहा हूँ तो हामी क्या, तुम्हारे सामने मना किया उन्होंने? आपके सामने हाँ भर रही है, दिया पायापन का करें था। अच्छा चलो सर, अब उसमें घरेलू गैस सिलेंडर अपन यूज कर रहे हैं किचन में, वो तो साफ दिख रहे हैं। उन्हीं का कनेक्शन है, उन्हीं का कनेक्शन है। किसका? घरेलू गैस कनेक्शन है। पहले हॉस्पिटल के लिए सब्सिडी से आता था सिलेंडर, सब्सिडी की वजह से व्यवसाय का उपयोग है। जब अपन पैसा देते हैं सारी चीजें, अपन नियम तोड़ेंगे सर हम तो तो वो चीज गलत है ना, उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ सवाल एक ये भी उठता है कि कई वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति के नाम से यहाँ राशन सप्लाई होती है, जिसका नाम जुनेद खान बताया गया। जब उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई कि वो व्यक्ति कहाँ का है, क्या करता है और किस नाम से उसकी फर्म रजिस्टर है, ये प्रश्न पूछे जाने पर भी अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वहीं जब हमने पता करना चाहा कि क्या उस व्यक्ति की कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन है भी या नहीं, उसका भी जवाब कोई अधिकारी हमें नहीं दे पाया। हालांकि सभी ये बोलते रहे कि रजिस्ट्रेशन है। वहीं जब इस मामले में हमने सिविल सर्जन से भी बात करना चाही तो भी वह कुछ जवाब नहीं दे पाए, यानी कि निरुत्तर रह गए। समस्या पर है कि कई वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर राशन की सप्लाई क्यों दे रहा है, ऐसा क्या उसको संरक्षण प्राप्त है। वहीं दबी जवान में अधिकारियों ने कहा कि कोई और व्यक्ति निविदाएं भरता ही नहीं और ना ही राशन की सप्लाई देने के लिए तैयार होता है। पर यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जो निविदाएं निकाली जाती है वो किन पत्रों में निकाली जाती हैं, जिन्हें लोग पढ़ भी नहीं पाते या केवल एक ही व्यक्ति तक पहुंचती हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जुनेद खान नाम का व्यक्ति ही यहाँ पर राशन की सप्लाई देता है, जिसका कभी कोई तोल नहीं किया जाता। वही जो सब्जी उसने सप्लाई की हुई है उसका तोल जो कागज में लिख के दे दिया जाता है वही मान्य होता है, भी अस्पताल प्रशासन द्वारा उसकी दोबारा तुलाई नहीं की जाती। कई सारे गंभीर मुद्दे यहां देखने को मिले, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि क्यों इस जुनेद खान नाम के व्यक्ति को ही हर बार राशन का ठेका दिया जाता है। वही जुनेद खान से संबंधित कोई भी कागज हमें क्यों नहीं दिखाए गए, ये सभी बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। हम मानते हैं कि हो सकता है उस व्यक्ति का फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन यदि ऐसा था तो दिखाया जा सकता था, या फिर सरकारी कार्यालय में उसके कागज भी उपलब्ध हो सकते थे। व्यवसाय के लिए आवेदन लगा देते सर, व्यवसाय में परिवर्तन करने के लिए। अच्छा सर, ये कह रहा है जो अपने यहाँ खाने के लिए जो सामान की सप्लाई करता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन है क्या जुनेद खान का? नहीं रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, डॉक्टर किसी को भी नहीं पता अभी रजिस्ट्रेशन है या नहीं, बाकी रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और पाँच साल से वही पूरा सामान वामान दे रहा है, क्या हॉस्पिटल में आते नहीं है क्या? अभी हमने इसका निविदा निकाला था, कोई आए नहीं है। ये कह रहा भोपाल से निकलती है निविदा, यहाँ निकलती नहीं, यहीं से तो हम ही तो भेजते हैं ना, हम भेजते हैं। अच्छा चलो, तीसरी बात, रूबी खान को अभी अपन ने टर्मिनेट नहीं किया, डायरेक्टर बोल के गए थे कि रूबी खान को टर्मिनेट किया जाएगा। रूबी खान को अपन ने नोटिस दिया है डायरेक्टर, उन्होंने तो टर्मिनेट बोला था, उन्होंने चेंज कर दिया था उसको, टर्मिनेट क्यों ना किया जाए इसके लिए उससे लेटर लो। अच्छा, लेटर दे दिया। अच्छा, नोटिस का जवाब आ गया सर? नोटिस का जवाब सीएम चुके आएगा, वो सीएम जो कर्मचारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो गलती थी जो स्लैट वगैरह एक साथ डाली थी। हाँ, तो वो उन्होंने इसलिए किसी को टर्मिनेट आप एकदम से तो नहीं कर सकते जी, उसको पहले नोटिस ही देंगे, तो उन्होंने पहले नोटिस दिया कि उन्हें आपको हटाया जाए, और वो सीएमएचओ के पास उनका जवाब गया है। चलो मैं बात करूँ, थैंक यू सर। वहीं यहाँ एक बात जो समझ में नहीं आती वो यह भी है कि जिस दर पर हॉस्पिटल में खाने की यानी कि सब्जियों की सप्लाई की जाती है वह मार्केट से मैच नहीं खाती, यानी कि जिस सब्जी का भाव मार्केट में 4 या 5 रुपए किलो है उसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा 10 या 12 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जबकि अधिकारी और कर्मचारियों का यह कहना है कि हर माह इसकी नई प्रविष्टि की जाती, यानी कि हर महीने नए रेट्स लिए जाते हैं उसके बाद सप्लाई की जाती है। वहीं जब हमने अपना रुख प्रसूति गृह में किया और जानना चाहा कि जो लड्डू जिसकी कीमत 17 रुपए बताई जाती है उसकी हालत क्या है, तो देखा गया कि एक पॉलिथीन के अंदर पैक लड्डू मरीजों को यानी कि प्रसूताओं को सप्लाई किया जाता है, जबकि प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा हुआ है। उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल में प्लास्टिक की थैलियों में लड्डू दिया जा रहा है।
वहीं जिस लड्डू की कीमत 17 रुपए बताई जा रही है उसको देखकर लगता तो नहीं था कि उसके अंदर मेवे हैं। हालांकि लड्डुओं को देखने से समझ में आ रहा था कि थोड़े बहुत मेवा का उसमें उपयोग जरूर किया गया है, लेकिन बहुत ही छोटे आकार का ये लड्डू 17 रुपए का बताकर इन प्रसूताओं को दिया जाता है। अब देखने लायक होगा कि क्या हमारे इस खबर प्रसारित होने के बाद जिला अस्पताल क्या नई निविदाएं आमंत्रित करेगा या किसी और को भी मौका देगा राशन की सप्लाई का। हालांकि सभी का यह कहना है कि एक ही व्यक्ति है जो यहां पर राशन सप्लाई करता है, उसके अलावा कोई और निविदाएं भरता ही नहीं।